बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका रियान अदनान कुकिंग चैनल में। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ठीक ठाक रखे, आमीन सुमा आमीन। चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं आज की। ये देखें, ये शकरकंदी है जो कि तकरीबन 1.5 किलो है और सीज़न में बहुत अच्छी शकरकंदी आई हुई हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, मिट्टी होती है, क्योंकि ये आलुओं की तरह मिट्टी में ही उगाई जाती हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से, और इसको स्टेनर में डाल दिया। ये ज़रा खुशक हो गई, तो अब मैं इसका छिलका उतार लूँगी। शकरकंदी को ऐसे मैंने सारा आलू की तरह छील लिया और उसके एक एक इंच के ऐसे स्लाइस कर लिए। आप काम छोटे या बड़े अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से कर लूँगी सारे स्लाइस। पैन के अंदर पेदे के ऊपर मैंने एक एक स्लाइस उठा के पीस इसका रख दिया, सारी तैस की बिछा दी। अब ऊपर से भी जो बाकी के रह गए हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी सब। ये बहुत अच्छी और मज़े की बनती है, और इसमें बाद में छिलका उतारने का झंझट भी करना नहीं पड़ता। खाने में बहुत टेस्टी, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। ये देखें, सब कवर हो गया, सब मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब चूल्हे को मैंने जलाया हुआ है, तेज़ आंच है, तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच करूंगी और 1 गिलास भर के इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। हाफ टी स्पून नमक इसके अंदर शामिल करूंगी, 4 टेबल स्पून चीनी इसमें डालूंगी और 1 लीमू का रस डाल दूंगी, अगर चाहें तो अब नहीं तो बाद में, और इसको कवर कर दूंगी। देखें 5 मिनट हो गए हैं इसको मुसलसल तेज़ आंच पर पकते हुए। अब मैं इसकी फ्लेम लाइट टू फ्लेम कर लूँगी। अब मैं फ्लेम को बहुत कम कर दूँगी और तकरीबन 8 मिनट तक पका लूँगी, और जब ये पक जाएगी तो फिर सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं सर्व करने लगी हूँ, देखें। अब ये एक एक पीस में सारा बोल में निकाल दूंगी। ये देखें कितने मज़े के और जूसी तैयार हुए हैं। ये मैं सब एक एक करके पैन में डाल लूँगी, अलहदा से किसी बोल में जिसमें सर्व करेंगे उसमें डाल दूंगी सब। और मैंने इसमें थोड़ा सा लीमू का रस भी शामिल किया, 1 लीमू का, वो स्किप हो गया क्योंकि अजान भी हो रही थी। ये मैं सब डाल देती हूँ तो मिलती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला भी डाल देंगे इसके अंदर, और लीमू का रस और चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और जो इसका पानी थोड़ा सा बचा है नीचे से, जो हमने ये स्टीम में पानी थोड़ा सा डालकर बनाया, वो भी हम ऊपर से इसमें डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से अनार के दाने भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए। इससे बहुत ही अच्छी लुक आ रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी आ रहा है इसमें जायका। चलें जी, देखेंगे हमारी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स करें।
मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।